हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइवर्डमी का फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर फोटो डायरेक्टर 9 की सीरीज़ चल रही है और इसमें हम फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आपको वीडियो देते रहते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम बात किए थे फोटो डायरेक्टर 360 डिग्री फ़ोटो को कैसे एडिट किया जाए, तो जो 360 डिग्री पे होता है उसी के नीचे एक दूसरा ऑप्शन है फ़ोटो इफ़ेक्ट्स। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि फ़ोटो डायरेक्टर में फ़ोटो के क्या क्या इफ़ेक्ट ऑप्शन में मिल रहे हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको कैसे फ़ोटो को इंपोर्ट करना है और कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये सब सारे आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में नीचे भी देख सकते हैं सीरीज़ वाइज। तो हम सबसे पहले एक फ़ोटो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्लिक करेंगे फ़ोटो इफ़ेक्ट्स में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो इफ़ेक्ट्स में हमको 4 इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। पहला है कलर इफ़ेक्ट्स, दूसरा है ब्लर और तीसरा है ग्रेन और चौथा है ओवरले। तो बहुत ही सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इजी वर्क इस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार आपको सिलेक्ट एन इफेक्ट बिलो टू अप्लाई इन टू योर फ़ोटो, किसी एक को फ़ोटो पर क्लिक करिए और ऑटोमेटिक ये आपके फ़ोटो पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ पार्ट पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रश मिल रहा है, आप ब्रश पे से वहाँ से लेके वो पार्ट हटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ये जो स्नो है, इस स्नो को आप वाइट कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, बाकी पार्ट आपका वैसा ही दिखेगा। तो इस तरह से आसानी से आप कोई इफ़ेक्ट डाल के यहाँ से नीचे से उसको हटा सकते हैं। और मान लीजिए कुछ बढ़ती है से हट गया तो यहाँ से आपको माइनस का भी निशान मिल रहा है, उसके बाद इसको आप डिक्रीज या उसको सही कर सकते हैं। तो इस तरह आसानी से आप अपने इफ़ेक्ट को अपने फ़ोटो पे डाल सकते हैं और साइड बाय साइड इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, किसी एक पे भी आप काम कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। नीचे आपको उस ब्रश की साइज़ और फेदर और स्ट्रेंथ मिल रहा है, आप इसको बारी बारी चेंज करके देख सकते हैं। फिलहाल कलर इफ़ेक्ट से हम बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, देखते हैं कि इसमें और सब क्या है। तो दूसरा ऑप्शन है ब्लर। कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसको हम ब्लर करना चाहते हैं और कुछ खास पार्ट को हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसे हम ये बाइसिकल को दिखाना चाहते हैं ब्लर के ज़रिए, तो हम यहाँ पर इस पार्ट को यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दो तीन तरह के मिल सकते हैं ब्लर। एक है रेक्टेंगल है और दूसरा है लाइनर, लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक आपका ब्रश मिल जाएगा, ब्रश की इस आप यहाँ पे जिस पार्ट को आप ब्लर हटाना चाहते हैं, वो जिस पार्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उसको आप यहां से इसको पेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी साइकिल फुली दिख रही है और साइड वाला एरिया हमारा ब्लर है। और यहां पे ब्लर डिग्री आप चाहें तो डिग्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा हाइट ज़्यादा कर सकते हैं, तो कम रहेगा तो आपका फ़ोटो क्लियर दिखता है। तो यह ब्लर इफेक्ट था। तीसरा आपका ग्रेन इफेक्ट। ग्रेन इफेक्ट्स क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देख सकते हैं फ़ोटो के चारों तरफ ग्रेन नज़र आ रहा है, तो आप इस पर सिंपली आप पेंट करके इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस फ़ोटो को लेते हैं ताकि कंफर्म हो। ग्रेन में आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह ये फ़ोटो को साफ़ करने के लिए होता है, ग्रेन का यूज़ करते हैं। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होते हैं जिसमें ग्रेन आ जाते हैं, तो आप उनको इस तरह से आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका चौथा है ओवरले। ओवरले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें सिंपली आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल रहे हैं ऊपर आपके 4 ओवरले हैं, किसी एक को आप चूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ओवरले है। आप यहाँ पर अदर चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑनलाइन मिल सकते हैं, यहाँ से आप उसको उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जो आपको ओवरले में आप इफ़ेक्ट लगाना चाहें लगा सकते हैं, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। तो फोटो डायरेक्टर 9 के फ़ोटो इफेक्ट में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव रिमूवल के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।